अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है जी ग्लियल सेल, जिसे हम लोग न्यूरोग्लिया या सिंपल ग्लिया के नाम से भी पढ़ते हैं। ये क्या है, हम लोग ने पढ़ा है कि जो ग्लियल सेल है ये क्या है, ये स्पोर्टिंग सेल है। ठीक है जी, डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि ग्लियल सेल ये क्या है, दे आर द स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर या स्पोर्टिंग सेल्स ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है जी, तो ग्लियल सेल की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, क्या ये है स्पोर्टिंग सेल्स। ग्लियल सेल क्या है, ये स्पोर्टिंग सेल्स हैं किन के, न्यूरॉन के। तो वो सेल जो न्यूरॉन की सपोर्ट करते हैं, इसके प्रॉपर न्यूरॉन का जो फंक्शन उसे परफॉर्म करने के लिए, उन सेल्स को हम लोग न्यूरोग्लियल सेल, ग्लियल सेल या सिंपल ग्लिया भी कहते हैं। ठीक है जी, तो इनका दूसरा नाम क्या है, इसे हम लोग न्यूरोग्लिया भी कहते हैं। ठीक है जी, अब बेसिकली न्यूरोग्लिया का काम क्या है, डेफिनेशन के मुताबिक तो ये सिर्फ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, और ये हमें भी पता है कि जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है वो अक्सर मेन सेल से कम तादाद में होता है, लेकिन यहां पे उल्टा है। ये क्या होते हैं, ग्लियल सेल क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन है, खासतौर पर ब्रेन में जितने न्यूरॉन होते हैं इससे ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं, ये साबित हो चुका है। अब ग्लियल सेल काम क्या करते हैं, ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के हैं, और जिस तरह की इनकी टाइप है ये वैसा काम करते हैं। क्या करते हैं, ये म्यूटेशन भी करवाते हैं, स्पोर्ट भी देते हैं, केमिकल रेगुलेशन भी करते हैं, इसके अलावा पीएच मेंटेन करते हैं, और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी यही बनाते हैं। ठीक है, न्यूरोग्लियल सेल ही बेसिकली वो सेल है जो क्या बनाते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड, जो वेंट्रिकल्स और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसके अंदर जो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक वेंट्रिकल जाती है जो आगे जाकर स्पाइनल फ्लूइड से भरी होती है, जिसे हम किस नाम से पढ़ते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब बेसिकली ये काम सिर्फ एक न्यूरोग्लियल सेल नहीं करता, डिफरेंट काम करने के लिए डिफरेंट न्यूरो सेल्स हैं, डिफरेंट न्यूरोग्लिया हैं। इनकी टाइप्स की तरफ चलते हैं, तो बेसिकली जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसा कि एक टाइप को हम लोग कहते हैं एस्ट्रोसाइट्स। ठीक है जी, एक टाइप को हम किस नाम से पढ़ते हैं, एस्ट्रोसाइट। ये जो डायग्राम है एक जनरल सी डायग्राम है, इसमें आपको रेड कलर की नजर आ रही है, एस्ट्रोसाइट्स। अब ये एस्ट्रोसाइट्स क्या है, ब्रेन के अंदर, जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन होते हैं, ठीक है जी, ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात हम लोग करें, ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन पाए जाते हैं उनको ये न्यूट्रिशन देते हैं, इसके अलावा जो एस्ट्रोसाइट होते हैं ये ब्रेन के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उसका और ब्रेन के न्यूरॉन का कनेक्शन डेवलप कराते हैं ताकि हमें प्रॉपर ऑक्सीजन मिले। ये क्या कहते हैं जी, कैपिलरीज न्यूरॉन कनेक्शन करवाते हैं। इसके अलावा ये जो एस्ट्रोसाइट्स हैं ये पीएच, न्यूरॉन की पीएच भी मेंटेन रखते हैं, कैसे रखते हैं, उसके अंदर आयंस की केमिकल की रेगुलेशन करवाते हैं, और जो इसका इंपॉर्टेंट काम है ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं। ठीक है जी, एस्ट्रोसाइट्स का जो इंपॉर्टेंट काम है बाकी सारे के अलावा ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं। ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या करता है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस को आने नहीं देता। तो ये क्या करता है, टॉक्सिन्स को प्रिवेंट करता है, ये टॉक्सिन सब्सटेंस को ब्रेन के अंदर अगर है तो खत्म करता है और पहली बार आने नहीं देता क्योंकि बैरियर का काम कर रहा है। तो इसके बाद चलते हैं दूसरी टाइप के अंदर, जिसे हम लोग किस नाम से पढ़ते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सैटेलाइट ग्लिया। ठीक है, सैटेलाइट ग्लिया क्या है, ये वो ग्लिया है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मौजूद न्यूरॉन को
तो सेटेलाइट न्यूरोग्लिया ये वो न्यूरोग्लिया जैसे कि मैंने पहले बताया जो एस्ट्रोसाइट्स हैं ये भी ग्लिया की टाइप है जो ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन है उनको न्यूट्रिशन देते हैं तो सेटेलाइट ग्लिया क्या है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं उनको सपोर्ट देने के लिए और उनको न्यूट्रिशन देने के लिए जो ग्लिया है सपोर्टिंग सेल्स हैं उन्हें हम लोग सेटेलाइट ग्लिया कहते हैं इसके बाद जो एक तीसरी टाइप है ठीक है जी इसके पास एक तीसरी टाइप है जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रोग्लिया माइक्रोग्लिया क्या है यहां पे जो स्ट्रक्चर एक सेल मैंने बताया जनरल सा इसे माइक्रोग्लिया कहते हैं ये माइक्रोग्लिया का काम क्या है ये आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये ब्रेन या नर्वस सिस्टम के फैगोसाइट ऑफ सेल है ये क्या करते हैं ये डिग्रेड कर देते हैं ठीक है जी तो माइक्रोग्लिया क्या है ये बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि नर्वस सिस्टम के क्या है फैगोसाइटोसिस है लेकिन ये खाने का काम करते हैं किनको जो नर्वस सिस्टम के अंदर डिग्रेडेड है सेल जो फॉल्ट है उनको डिग्रेड कर देते हैं और जो डेड सेल्स हैं जो ब्रेन के अंदर या नर्वस सिस्टम के अंदर सेल डेड हो जाते हैं उनको ये क्या करते हैं डिग्रेड कर देते हैं खत्म कर देते हैं और उनकी डिग्रेडेशन से जो एनर्जी निकलती है वो यूज हो जाती है इसके अलावा अगर ब्रेन में पहली बात तो कम ऐसे चांसेस होते हैं लेकिन होता है ब्रेन के अंदर अगर कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म खास करके जो कि डिफेक्टिव है कोई डिजीज करने वाला माइक्रोऑर्गेनिज्म वो आता है तो ये माइक्रोग्लियल सेल्स ही होते हैं जो उसको क्या कहते हैं फैगोसाइटोसिस करके खा जाते हैं इसके अलावा मोटर न्यूरॉन के अंदर जो माइलिन शीट होती है बेसिकली जो शॉन सेल बनाते हैं वो भी किससे बनती है वो भी एक और टाइप का न्यूरोग्लियल सेल होता है जिसमें हम कहते हैं ओलिगो डेंड्रोसाइट ठीक है नहीं चौथी जो इसकी टाइप है वो इट इज अ फोर टाइप वो क्या थी ओलिगो डेंड्रोसाइट ये क्या करती है मोटर न्यूरॉन के एग्जाम के ऊपर जो श्वान सेल्स होते हैं सॉरी माइलिन शीट होती है ये उनको बनाते हैं कैसे बनाते हैं कि इससे डिफरेंट प्रोसेस है और ये बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जो ब्रेन के अंदर ओलिगो डेंड्रोसाइट्स हैं वो एक ओलिगो डेंड्रोसाइट एक से ज्यादा न्यूरॉन की माइलिन शीट बना रहा होगा जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो श्वान सेल्स होते हैं वो एक मोटर न्यूरॉन के एक एग्जॉन को सिर्फ एक सेल ही बनाता है जबकि इसमें एक सेल एक से ज्यादा न्यूरोग्लियल सेल बना सकता है सॉरी माइलिन शीट बनाता है अब इसकी जो आखिरी और फिफ्थ टाइप है वो कौन सी है उसे हम लोग कहते हैं एपेंडिबल ठीक है जी इसकी जो आखिरी टाइप है उसे हम लोग कहते हैं एपेंडिबल ये पेंटिकल्स क्या है बेसिकली पेंटिकल्स क्या है ये जो वेंट्रिकल्स होती है ठीक है जी वेंट्रिकल्स क्या है ये वो एक मखसूस चेंबर्स होते हैं जिसमें सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है तो ये क्या है ये स्पेसिफिक सेल्स हैं न्यूरोग्लियल सपोर्टिंग सेल्स हैं जो कहां पे होते हैं ये जो कैविटीज होती हैं वेंट्रिकल्स होती हैं उनकी दीवारों के ऊपर लाइंड होते हैं जैसे पेरिटोनियल कैविटी क्या होती है हमारे जो यहाँ पे कैविटी थी उसके अंदर खास लाइनिंग होती है जिसे हम लोग पेरिटोनियल लाइनिंग कहते हैं इसी तरह की होती है फंक्शन है अगर आप एक वेंट्रिकल को समझेंगे एक इस तरह का स्ट्रक्चर है ठीक है जी ये क्या है एक स्ट्रक्चर है जो कि बैंड हुआ हुआ है तो इसको जो लाइनिंग है दीवारों ने की बेसिकली अगर आप समझेंगे ये क्या है वेंट्रिकल है इसको लाइनिंग जो दीवारों ने की है इन दीवारों के ऊपर जो लाइनिंग की हुई है वो जिन सेल्स से मिलकर बनती है उन सेल्स को हम लोग एपेंडिबल सेल्स कहते हैं और ये सेल्स करते क्या है इन सेल्स का काम क्या है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के वेंट्रिकल वाले पार्ट्स में जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनता है ये उन्हें बनाने में इन्वॉल्व होते हैं ठीक है तो ये जनरल सा स्ट्रक्चर था जिसमें हमने देखा है कि न्यूरोग्लियल सेल्स की कितनी टाइप हो सकती है और ये क्या क्या काम करते हैं तो टाइप के लिए ऐसे देखें तो एस्ट्रोसाइट्स हैं जो क्या करते हैं ये कनेक्शन डेवलप करवाते हैं इनका ब्लड कैपिलरीज का और न्यूरॉन्स का ताकि ब्लड से न्यूट्रिशन ऑक्सीजन वगैरह मिले ये क्या करते हैं केमिकल की रेगुलेशन करवाते हैं पीएच को मेंटेन रखते हैं और जो इंपॉर्टेंट काम है ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं ताकि जो टॉक्सिक सब्सटेंस अंदर ना आए जो दूसरी टाइप है वो सैटेलाइट है जो मैंने यहां पे शो नहीं की सैटेलाइट ये क्या है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी न्यूट्रिशन और सपोर्ट जो करते हैं हम लोग सैटेलाइट ग्लिया कहते हैं जो तीसरी टाइप है वो माइक्रोग्लिया ये क्या करते हैं ये ब्रेन के अंदर
स्पाइनल बॉडी या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या करते हैं, पहले तो बात पुराने सेल जो फॉल्टी है या डेड हो चुके हैं उनकी डिग्रेडेशन करते हैं, और अगर कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म आ गया तो उसको मार देते हैं। और चौथी टाइप है उसमें हम लोग कहते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट, ये क्या करते हैं एक्सॉन के ऊपर जो माइलिन शीट बनी होती है वो ये बनाता है। इनकी डिफरेंस क्या है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, क्योंकि ब्रेन से भी ज्यादा अगर मोटर न्यूरॉन के शरीर पे काम आ रहा होता है तो उनके एक्सॉन के ऊपर एक ओलिगोडेंड्रोसाइट एक से ज्यादा न्यूरॉन की माइलिन शीट बना रहा होता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक ओलिगोडेंड्रोसाइट या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसी को ही हम शवान सेल्स का नाम देते हैं, वो एक न्यूरॉन का एक ही सेल बना रहा होता है। और जो पांचवी और आखिरी टाइप का वो है अपेंडिबल सेल्स या अपेंडिबल डी का, ये क्या कहते हैं कि कुछ इस तरह का डायग्राम है कि आप ये समझ सकते हैं कि ये वॉल है जिसके ऊपर सेल्स की लाइनिंग हुई हुई है, ये करते क्या ये अपेंडिकल्स में होते हैं, और जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है उनको बनाने का काम क्या करता है अपेंडिबल सेल्स का होता है। तो ये है वो बेसिक सपोर्टिंग सेल्स हम लोग न्यूरोग्लियल सेल्स कहते हैं जो कि नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं। और अगर